खबर अयोध्या से है, जहां मिल्कीपुर तहसील इलाके के थाना इनायतनगर पुलिस ने दो गोवंश तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 19 गोवंश और एक ट्रक बरामद किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर आर के राय ने बताया कि थाना इनायतनगर की पुलिस ने वाहन चेकिंग एवं रात्रि गश्त के दौरान दो गौ तस्करों राकेश कुमार यादव और श्यामनाथ निवासी जनपद अयोध्या को एक ट्रक और 19 गौवंशों के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी राकेश कुमार यादव के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, 3 अदद जिंदा एवं 1 अदद खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि वह लोग गौवंशों को पकड़कर ट्रक पर लादकर पश्चिमी बंगाल ले जाते हैं, जहां पर गौवंशों की मुंह मांगी कीमत मिलती है। दिनांक 18/10/2019 को सुबह 4:30 बजे के लगभग मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग जो है ट्रकों पर अवैध जानवर लाद रहे हैं। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व SP ग्रामीण महोदय के दिशा निर्देशन में इनायत नगर की टीम मौके पर पहुंची, जो है वहां पर पहुंची। इसके संबंध में राकेश कुमार यादव पुत्र राम केवल यादव निवासी पूरे कंदर, दूसरा श्याम नाथ पुत्र रामचंद्र निवासी पूरे गोसाई का पुरवा ट्रकों पर जानवरों को लाद रहे थे। उसी समय जब पुलिस पहुंचने के उपरांत दोनों तरफ से पुलिस मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के दौरान कुछ लोग वहां पर भाग गए एवं ट्रक ड्राइवर व खलासी पकड़े गए, जिसमें 19 जिंदा पशु बरामद किए गए।